उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदीप सिंह जिला महामंत्री भाजपा ने बताया कि भाजपा सरकार बहुमत में बनाने जा रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, देश का नेतृत्व करेंगे। साथ ही सपा बसपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। प्रदीप सिंह जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बलिया। बलिया में कितने प्रत्याशी आपके हैं? बलिया में एक बलिया लोकसभा, तीन लोकसभा पड़ता है। तीनों में क्या सीटें जीत रहे हैं? तीनों हम प्रचंड बहुमत से सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितना सीटें आप मारेंगे? 70+। गठबंधन का कहना है भाजपा एकदम जीरो हो जाएगी। जो जीरो था दूसरे को जीरो कैसे कह सकता है, लेकिन गठबंधन के बारे में मेरा कहना है कि वो गठबंधन उन लोगों का ऊपर ऊपर का गठबंधन है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो भी योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की लागू हुई है, न जाति धर्म भेदभाव रख के कोई योजना लागू नहीं हुई है। जैसे आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, सभी योजनाएं किसी धर्म और जाति और विशेष को देखकर नहीं किया गया है। बिजली अगर मिल रही है तो सबको मिल रही है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, कहते हैं वो पूरे नीचे तक पहुंचा है जी। अखिलेश यादव मंच कहते हैं मोदी जी का छलावा है और कुछ नहीं। छलावा तो वो लोग कर किए हैं उत्तर प्रदेश के साथ, जितने दिन तक सरकार चलाए हैं सपा और बसपा मिलकर, छलावा तो वो लोग किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी बढ़िया से अच्छा तरीका से सबका साथ सबका विकास के नारे पर अपना काम कर रही है। हम किसी प्रकार का कोई छलावा करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरी पारदर्शिता के साथ सारी योजनाएं जमीन पर उतारते हैं। क्या बलिया में कोई प्रत्याशी नहीं था जो भदोही से लाया गया यहाँ पर? बलिया के ही प्रत्याशी हैं, बलिया के निवासी हैं, दोकटी निवासी हैं, वो भदोही से नहीं आए हैं। उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए वो पूरे भारत। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।